नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने नवीन गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो हरियाणा के बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 30 अप्रैल बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा सरकार ने एक और पेंशन खातों में डाल दी गई है। तो कौन सी पेंशन आई है, क्या पूरी अपडेट है देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप बुढ़ापा पेंशन से लेकर सीईटी मीन्स या कोई भी फार्म आता है, कोई भी स्कीम आती है सरकारी, उनकी योजना का अपडेट समय समय पर पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो फटाफट टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो चलिए बिना देरी के देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि 26 तारीख को जो पेंशन है वो जारी कर दी गई थी, लेकिन जो पेंशन है वो आधों के अकाउंट में आई थी, राधों के अकाउंट में नहीं आई थी। तो अब क्या है, जो 29 तारीख को है, कल शाम 29 तारीख को वो पेंशन है वो आपके खातों में डाल दी गई है। और जिनकी पेंशन अभी भी रहती है वो 30 यानी कि आज 30 अप्रैल शाम 5 बजे तक उनके अकाउंट में भेज दी जाएगी और आप उन पेंशन को निकलवा सकते हैं। ठीक है, जिनकी पेंशन नहीं आई है, पहले क्या है, पिछले महीने की पेंशन है वो 20 मार्च को जारी कर दी गई थी, लेकिन अब की बार पेंशन है वो 26 तारीख को वो जारी की गई थी। पेंशन बहुत लेट है, जिसकी पेंशन कट गई है और या कुछ बंद हो गई है, तो आप समाज कल्याण विभाग में जाकर वो पता कर सकते हैं कि क्या रीज़न है हमारी पेंशन कटने का। तो ये पूरी अपडेट है, तो देख सकते हैं आप 30 अप्रैल 2022 की ये बड़ी खुशखबरी है बुज़ुर्गों के लिए। हरियाणा सरकार ने वो जो पेंशन खातों में नहीं डली थी वो आज शाम 5 बजे तक है वो डाल दी जाएगी। और जो अगली महीने की पेंशन आएगी वो कितनी आएगी, उसकी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या अगली पेंशन वो 2750 रुपये आएगी या 2500 रुपये आएगी, उसकी अपडेट मैं इस चैनल पर दे दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में।